सिद्धार्थ, हम सबको पता है सुबह हम आके खुली मार में बता सिद्धार्थ दुनिया में आपके लिए कितना शान। जब सुबह जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी, मुझे, मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ये हो गया है। और ही वॉज जस्ट 40 और उन्होंने कितने और अच्छे अच्छे काम करने थे, उन्होंने इतने अच्छे ऑलरेडी इतनी कम उम्र से काम कर ली है। और बिग बॉस में जिस तरह लोगों ने उनको देखा है, इतना प्यार दिया, तो इट्स वेरी शॉकिंग कि इस तरह की चीज़, एक बहुत अर्ली एज पे एक हार्ट अटैक से डेथ हो जाना, मुझे समझ में नहीं आता। आई एम स्पीचलेस, उनके पेरेंट्स भी क्या बीत रही होगी समझ के बाहर है। हमने एक शो किया था साथ में कलर्स के लिए, मुझसे शादी करोगे, और मैंने उनको देखा था जिस तरह उनका बिहेवियर सेट पे था। ही वॉज थारो प्रोफेशनल, बहुत ही काम कंपोज पर्सनैलिटी थे वो। तो तब मुझे उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कितना लोग उन्हें प्यार करते हैं और वो इस रीज़न की वजह से करते हैं। तो एक बहुत ही टैलेंटेड यंग इंसान इस तरह से छोड़ के चला जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और बस मैं ये कहना चाहूँगी, हम तो शूट कर रहे थे और उसी दौरान वो मुझे इतने सभ्य लगे, मुझे कोई एंजाइटी नहीं, कोई अग्रेशन नहीं थी उनमें, कुछ नहीं, बहुत ही आराम से एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो हम शूट कर रहे थे। जब मुझसे शादी करोगे, जब कलर्स पे जो शो था उसकी बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। ही हैड अ वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी, तो नो वंडर लोग इतना प्यार करते थे उन्हें। ऑफ कोर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री से ही हैं, और भले ही कहीं मिले नहीं हों या हमने सपोज अगर काम ना भी किया होता तो भी हम कनेक्टेड ही होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि बातें सुनते हैं बहुत सारी, तो हमें पता चलता है कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है, सबकी न्यूज़ होती है। और यहाँ तो हमने काम किया हुआ भी है, मैं तो उनसे मिल भी चुकी हूँ, और क्या पर्सनैलिटी थी उनकी, बहुत ही पॉजिटिव थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। तो और दुख होता है ये सुन के, वही उन पे क्या बीत रही होगी ये तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती कि क्या उन पे लग रहा होगा। पूरा देश इस वक्त रो रहा है उनके लिए।